हमने बहुत सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में अभी सीख ली। अब आखिरी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस तरह का एक प्रोफेशनल सीवी या रिज्यूमे जो भी आप बोलो इसे, ये कैसे हम बनाते हैं, यहाँ पे कैसे शेप्स ऐड हो चुके हैं, ये शेप के अंदर कैसे पिक्चर ऐड हो गया, ये अट्रैक्टिव रिज्यूमे हमने कैसे बनाया, ये मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमारा फाइनल पार्ट होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, लेकिन ये क्रैश कोर्स यहाँ पे खत्म नहीं होता है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल एंड नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ, और सबसे पहले करना क्या, इंसर्ट टैब में जाओ। इंसर्ट टैब में जाकर यहाँ पे शेप्स ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। और रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करूँगा, मैं यहाँ से लेकर इतना पोर्शन पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, जो कि वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इतने पोर्शन में एक रेक्टेंगल ड्रॉ है। और इसमें शेप फील्ड में जाकर यहाँ पे एक इस तरह से मैं कलर ड्रॉ करूँगा। देखिए, तो यहाँ पे मैंने एक शेप फील्ड में कलर दिया, इसका जो आउटलाइन कलर है वो मैं हटाना चाहता हूँ। तो आउटलाइन कलर मतलब शेप फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक कीजिए, शेप आउटलाइन और नो आउटलाइन, आउटलाइन बिल्कुल यहाँ पे मैंने रखना चाहता हूँ। ओके, सो सबसे पहला स्टेप मैंने यह, उसके बाद यहाँ पे मुझे टेक्स्ट ऐड करना है इसके बीच में। तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा, इंसर्ट में जाकर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स राइट साइड में, शेप में से भी आप ले सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ले लो डायरेक्टली। यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन मिल रहा है, और यहाँ पे आप ड्रैग करो इस तरह से, ये टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। चलो ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में मैंने मेरा नाम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर दिया, तो एग्जांपल के लिए कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर रहा हूँ, आपको पता ही है एग्जांपल ही दूंगा, नहीं तो अगर ओरिजिनल कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा तो मुझे सोने नहीं दोगे आप लोग। ओके, सो एग्जांपल मैंने दे दिया। तो यहाँ पे फिलहाल मैं ईमेल आईडी देता हूँ, वैसे इतना पॉपुलर भी नहीं हूँ मैं, लेकिन फिलहाल अपना कॉन्टैक्ट नंबर मैं वीडियो में दूँ तो गड़बड़ हो जाएगी, और एग्जाम्पल के लिए ईमेल आईडी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। राइट, ओके ओके, ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब इसको फॉर्मेट हम करेंगे। ओके, तो इसको फॉर्मेट कैसे करना है, सतीश डवले इसे सिलेक्ट कर लीजिए, और इसका जो साइज़ है, मतलब तीनों को एक काम कीजिए, तीनों को सिलेक्ट कीजिए, सेंटर में लीजिए पहले, तो फिर सतीश डवले इसे सिलेक्ट कीजिए, इसका साइज़ बढ़ा दीजिए इस तरह से, और इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए इस तरह से। ओके, अब इसको जो फॉर्मेटिंग है तीनों का, मैं फॉर्मेटिंग सभी पूरे के पूरे इसमें कौन सा फॉर्मेटिंग रखना चाहता हूँ वो आपके ऊपर है। मैं पॉपिंस फॉर्मेटिंग ही लेना चाहता हूँ, पॉपिंस फॉन्ट लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप जो फॉन्ट है ना, आपको लगता है कि यार ये डिसेंट फॉन्ट लग रहा है, वो फॉन्ट आप यूज़ ले लो। यहाँ पे कोई ज़्यादा फैंसी फॉन्ट लेना नहीं होता है रिज्यूमे के अंदर, राइट। सो मैंने ये ले लिया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे स्पेसिंग बहुत ही ज़्यादा नहीं लग रहा है आपको, तो इसे सिलेक्ट कर लो, और आपको जाना कहाँ पे, देखिए स्पेसिंग कम करना है इसमें। लाइन स्पेसिंग के लिए आपको ऑप्शन यहाँ पे है, लेकिन लाइन स्पेसिंग नहीं कम करना है आपको, लेआउट टैब में जाना है। लेआउट टैब के अंदर यहाँ पे आपको स्पेसिंग दिखाई दे रहा है, वो है पैराग्राफ स्पेसिंग बेसिकली। तो यहाँ से आप कम कर सकते हैं, 600 रख दो डायरेक्टली पैराग्राफ स्पेसिंग, राइट, इस तरह से। एंड आई वॉन्टेड टू मेक इट बोल्ड, तो इसे मैं सिलेक्ट करके बोल्ड करता हूँ इस तरह से। अब एक और चीज़ यहाँ पे क्या किया है, अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे इस सीवी में, यहाँ पे इसका कलर अलग रखा है और इसका कलर अलग रखा है, और इसका बैकग्राउंड कलर है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा, ये देखिए इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं शेप को, और शेप फॉर्मेट में जाकर शेप फिल में जाकर नो फिल, राइट, डेंटाडाइन, और शेप आउटलाइन को भी नो आउटलाइन, आउटलाइन भी नहीं, कुछ नहीं। ओके, अब आपको ये प्रॉपर मिल रहा है। अब एक बार इसकी साइज़ थोड़ी सी कंट्रोल ए कर लीजिए, इसे सिलेक्ट करके थोड़ी साइज़ पूरी की पूरी बढ़ा देते हैं, थोड़ा बड़ा रख देते हैं, ठीक है। अब इसे सेंटर में रख देते हैं। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे, इस सतीश को कलर अलग देना है, तो सतीश को सिलेक्ट करो, और इसको कुछ अलग कलर आपको देना है वो आप रख सकते हैं इस तरह से, राइट। और ढोले को भी आपको ये नीचे वाला टेक्स्ट तो ब्लैक में मत रखो, ये पूरा पूरा मुझे वाइट करना है। ओके, तो मैं वाइट कर देता हूँ, ये रहा, राइट, ग्रेट। तो आपको ये ऊपर कैसे बनाना है आइडिया आ चुका होगा। पहला सेक्शन हमने ऊपर का बना लिया, आप उसे और भी अट्रैक्टिव करना चाहते हैं आपकी सबसे वो करो, लेकिन ज़्यादा फैंसी बनाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आप जितना डिसेंट रखोगे उतना। अब क्या करना है, यहाँ पे आपका जो रोल है, जॉब रोल, ये बेसिकली यहाँ पे ऐड किया गया है, लेकिन ये भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये शेप में ऐड किया है। तो इस कंटेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंटेंट क्या है ये दिखाता हूँ मैं आपको, कंटेंट यहाँ पे मैंने कॉपी किया जो भी है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाऊँगा, और दोबारा यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करूँगा, और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करूँगा, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूँगा, राइट, इस तरह से कंटेंट को यहाँ पे डाल दूँगा। लेकिन ये जो कंटेंट का जो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है बेसिकली अभी यहाँ पे, इसका बॉर्डर दिखाई दे रहा है, तो शेप फॉर्मेट में शेप फिल नहीं, शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन, तो आप इसे आउटलाइन ऐसे गैप करो। उसके बाद यहाँ पे एक फोटो आपको ऐड करना है, लेकिन वो सर्कल में होना चाहिए, तो उसके लिए इंसर्ट में जाओ, शेप्स में जाओ, और यहाँ पे एक एलिप्स, ये जो दिखाई दे रहा है ये देखिए एलिप्स, ये ड्रॉ कीजिए। आप बोलोगे एलिप्स ड्रॉ करोगे तो ये सर्कल थोड़ी है, आप ड्रॉ करते समय ही, जैसे आप ड्रॉ कर रहे हो कंट्रोल बटन प्रेस, आप ड्रॉ करते समय ही जैसे आप इसे ड्रॉ करो शिफ्ट बटन प्रेस करो, ये सर्कल आ जाएगा, क्या बात, राइट, सर्कल आ गया यहाँ पे। और इस सर्कल में पिक्चर रखना है, ये भी सिंपल है, शेप फॉर्मेट ऊपर दिखाई दे रहा है टैप,
यस मुझे दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। शेप फील में जाइए और अभी आप यहाँ पे पिक्चर में जाइए। शेप फील में एक ऑप्शन है पिक्चर, जूम करके बता रहा हूँ दोस्तों, पिक्चर में जाइए, फ्रॉम फाइल में जाइए एंड आपका कोई भी एक स्क्वायर वाला फोटो रहना चाहिए। स्क्वायर में, ये स्क्वायर है मतलब इसका 1000x1000 साइज़ है। अगर आप रेक्टेंगल वाला कोई फोटो डालोगे ना फट जाओगे, आई मीन टू से वो स्ट्रेच हो जाएगा ऑरिजेंटली ऐसा, मतलब जैसे पिक्चर फटता ना वैसे नज़र आएगा, तो वो नहीं करना है। इंसर्ट करना है आपको एक स्क्वायर वाला इमेज, वो आपको यहाँ पे प्रॉपर फिट मिलेगा, नहीं तो आप स्क्वायर वाला नहीं डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सो गड़बड़ घोटाले से बच जाओ। और आप इसकी साइज़ कम ज़्यादा करना चाहते हो तो करो कॉर्नर से, है ना, यहाँ पे कॉर्नर पे माउस पॉइंटर लेके आओ, लेकिन शिफ्ट बटन प्रेस करके कम करो। शिफ्ट नहीं प्रेस करोगे तो क्या गलती हो जाएगी, ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है वड़ा पाव खा के हम ओके सूझ गए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, शिफ्ट बटन प्रेस करें जब भी आप इसके साथ कुछ भी चेंजेस करते हो। व्हाट इज़ नेक्स्ट, हमें यहाँ पे लाइन मारनी है, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है बेसिकली। अगर हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोले तो इंसर्ट में जाओ, शेप्स में जाओ और यहाँ पे लाइन पे क्लिक करो, इंसर्ट शेप लाइंस, ये ऑलरेडी पता है जो मैंने ऑलरेडी बताई है, और इसे शिफ्ट बटन प्रेस करके ड्रॉ करोगे तो ये सीधी आ जाएगी, नहीं तो ये टीढ़ी आ जाएगी। और शेप की आउटलाइन, वेटेज वगैरह जो है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जैसे आप रखना चाहते हो वो आपकी मर्जी। ओके चलो ठीक है, ये लाइन यहाँ पे रख दी और इसको ब्लैक कलर रखना है मुझे बेसिकली। इसे सिलेक्ट कर लो, शेप फॉर्मेट में जाओ, शेप फिल में जाओ, मतलब शेप आउटलाइन में जाओ और यहाँ से आप इसे ग्रे कलर रख सकते हैं ऐसे, राइट, जो कलर रखना चाहते हैं, राइट, ओके ठीक है। इसे थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ और एक लाइन मुझे ड्रॉ करनी है, तो मैं इंसर्ट में दोबारा जाऊँगा, शेप्स में क्लिक करूँगा, यहाँ पे लाइन पे क्लिक करूँगा और ये लाइन मुझे यहाँ पे चाहिए। ये मुझे ऐसा सेक्शन, दो सेक्शन बनाने हैं, तो मैंने ये दूसरा सेक्शन बनाया। शिफ्ट बटन प्रेस करके लाइन में यहाँ तक ड्रॉ करूँगा, पेज के एंडिंग तक, बॉटम तक, जहाँ तक है आपके कंटेंट। और फिर इसे भी शेप आउटलाइन में जाकर वेटेज दे सकते हैं आप, 1 का मैंने दिया है, उसको भी शेप कलर यहाँ पे दे सकते हैं, आउटलाइन को कलर यहाँ पे दे सकते हैं। कलर दे दिया हमने, आउटलाइन कलर दे दिया, सब कुछ दे दिया, ये प्रॉपर हो गया। तो आपको ये रिज्यूमे का एक फॉर्मेट, एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ बेसिकली, ऐसा ही बनाना, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है आपको, राइट। तो आप आपके हिसाब से बना सकते हैं, मैं आइडिया आपको दे रहा हूँ कि भाई इसमें अलग अलग कंटेंट टाइप करने के लिए आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसर्ट में जाओ, आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में दोबारा जा सकते हैं, यहाँ से आप ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करो और इसमें आपके जो जो कंटेंट सेक्शन वाइज लिखने हैं, तो ऐसे अलग अलग सेक्शन वाइज आप टेक्स्ट बॉक्स रखो, या फिर आप बार बार ड्रॉ मत करो, ये ऊपर का जो टेक्स्ट बॉक्स है ना इसी को आप कॉपी करो, बार बार फॉर्मेटिंग करो, ये करो वो करो, इसी को आप कॉपी पेस्ट करो नीचे रखो, और कॉपी पेस्ट करो नीचे रखो, और इसमें आप कंटेंट आप ऐड करते जाओ, जो भी आपको अलग अलग एक्सपीरियंस ऐड करना है, पर्सनल डिटेल्स ऐड करनी है, सारे कंटेंट यहाँ पे आप कंटेंट टाइप करके, तो मैं दिखाऊंगा नहीं यहाँ पे, बस आपको बता रहा हूँ कि भाई इन टेक्स्ट बॉक्स की मदद से ये सारी चीज़ें एडजस्ट होती है और आपको एडजस्ट करनी आनी चाहिए कि भाई कैसे आपको एडजस्ट करना है। टेक्स्ट बॉक्स की मदद से हम कैसे कंटेंट को ऐड कर सकते हैं, अब इस कंटेंट में कैसे क्या लिखना है, बुलेट्स कैसे अप्लाई करना है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बुलेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने सिखाई है ऑलरेडी, राइट, ऑलरेडी हो चुका है हमारा, ये फॉर्मेटिंग वगैरह कैसे करना है, सो यू कैन डू इट। तो मुझे ये बताना है कि भाई आप अलग अलग शेप्स इंसर्ट करके अलग अलग चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कर सकते हैं, ढेर सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इन डिटेल सीखने के लिए, तो आप हमारा कोर्स इनरोल कर सकते हैं। दैट्स इट गाइज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये क्रैश कोर्स यहाँ पे मैं फिनिश कर रहा हूँ, लेकिन अब शुरू करेंगे हम एक्सेल का क्रैश कोर्स।